अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन का बटन है उसे दबा के आल पे क्लिक कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो गाइस, कैसे हो सभी के सभी, मैं गिरिराज मंगेना आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कांता टेक में। तो आज का अपना ये वीडियो होने वाला है पेंशनर के ऊपर, किन किन लाभार्थी ऐसे है जिनको पेंशन मिलती है, ऐसे पेंशनधारी जिनको पेंशन मिलती है या तो वो कोई विधवा हो या फिर वो और जो जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है या फिर वो व्यक्ति विकलांग हो, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे कि किन किन को कितने कितने रुपए पेंशन मिलते हैं। तो वो पूरी की पूरी लिस्ट और अपना नाम भी उस लिस्ट में है या नहीं है इसकी जानकारी कैसे लें और उसमें आपकी पेंशन कब आई है, किस डेट को आई है या फिर आपकी पेंशन आ भी रही है या नहीं आ रही है, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जरूर शेयर करना ताकि और लोगों को भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जनसूचना की एक पोर्टल है, जनसूचना पोर्टल है तो उस पोर्टल पे आपको जाना है। आपके पीसी या मोबाइल में कहीं पर भी आप क्रोम ब्राउजर को यूज करते हो वहीं पर इसे को यूज कर सकते हो और इस साइट को ओपन कर सकते हो। ये साइट ओपन हो चुकी है, ओपन होने के बाद ऊपर ऊपर वाला ही जो पेज है उस पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके स्क्रीन पर होगा, उस पर ही ऊपर इसमें COVID-19 फर्स्ट नंबर का जिसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया था, उसके बाद इसमें सेकंड ऑप्शन आता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी का, तो इस पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें आप लाभार्थी की सूची को देख सकते हो और स्वयं की पेंशन का विवरण देख सकते हो सेकंड में, और थर्ड में एलिजिबल यानी कि पात्रता, इसमें एलिजिबिलिटी यानी कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है उसकी पात्रता इसमें दे गई है। तो हमें केवल हमें अपने एरिया के बारे में जानकारी चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे और अपनी पेंशन की डिटेल देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अगर अपनी पेंशन के बारे में डिटेल चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप अपने पीपीओ नंबर के द्वारा अपनी पेंशन देख सकते हो, आधार नंबर के द्वारा देख सकते हो, अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट कौन से लिंक कर रखे उसके अकाउंटिंग देख सकते हो, अगर आपके पास SRDR नंबर है तो उसको डालकर आप इसको देख सकते हो। अगर आपके पास इन चारों की डिटेल नहीं है या अपने पास अभी फिलहाल ये पता नहीं है कि अपने आधार नंबर कौन से हैं या कहीं पर आपका आधार कार्ड रहे फिलहाल आपको पता नहीं है और आप कहीं और के भी बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप अपने एरिया के सारे पेंशनरों की लिस्ट देख सकते हो, तो उसके लिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से है तो आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। मैं यहाँ पर सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूँ तो मैंने यहाँ पर सवाई माधोपुर चयन कर लिया और इस पर अधिक जानकारी दे रखी है, इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या है कि थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पर आपके पंचायत समिति का नाम दे रखा है, ऊपर दे रखा है वृद्धजन जो 60 साल के ऊपर हो चुके हैं उनके बारे में पूरी लिस्ट है, एकल नागरिक पेंशन यानी कि महिलाएं जो केवल सिंगल है मतलब विधवा हो चुकी है उनकी पेंशनों की डिटेल है, विशेष योग्यजन यानी कि इसमें जो विकलांग है उनके बारे में है और कर्षक वृद्धजन के बारे में पेंशन की पूरी डिटेल दे रखी है। आपके जो भी पंचायत समिति यहाँ पर लगती है उस पर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हो। तो मेरी चौथ का बड़ा पंचायत समिति लगती है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, अधिक जानकारी पे आप क्लिक करोगे तो इसका पूरा डैशबोर्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका विलेज का नाम पूछेगा तो आपका विलेज का नाम कौन सा है, मेरा फिलहाल ये चौथ का बरोड़ा विलेज नेम है तो मैं यहाँ पर अधिक जानकारी पे इसको क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का पूरी डिटेल आ जाएगी कि इसमें चौथ का बरोड़ा में 710 तो पेंशन है जो ओवरेज हो चुके हैं, 395 विधवा है, 117 यानी कि विकलांगों को मिलती है, 66 कर्षक वृद्धजन को मिलती है। तो इस प्रकार से आप जानकारी ले सकते हो। अब इनकी भी आप लिस्ट देखना चाहते हो तो अधिक जानकारी पे क्लिक करना होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे प्रकार के PDF फाइल खुल के आ जाएगी तो इसमें आप देख सकते हो कौन कौन को पेंशन मिलती है, तो यहाँ से आप पूरी डिटेल निकाल सकते हो किन किन को पेंशन मिल रही है और
क्या इसमें आपका नाम भी है या नहीं है, और किस डेट को या पेंशन के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं उसकी सारी डिटेल दे रखी है। जैसे अभी बाबीता तिलोरा, इसकी पेंशन आई है 31/5/2019 को, और भी कई चीजें हैं इसमें, कितने रुपए पेंशन आ रही है इस व्यक्ति की, तो यहाँ से आप दे सकते हो। इधर साइड में सरकार हो गई, उस पे साइड में दे रखा है कि इसको 500 मिलते, इसको 750, इसको 1500 रुपए, तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी ले सकते हो। ये तो इस सभी के बारे में पेंशन की जानकारी लेना का, आप सभी के अपने क्षेत्र में सभी के बारे में पेंशन की जानकारी ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आप सीएम के बारे में देखना चाहते हो, तो मैंने बताया था कि आप पीपीओ नंबर से देख सकते हो, आधार नंबर से देख सकते हो। तो आप आधार नंबर से देखना चाहते हो तो आधार नंबर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आधार नंबर डाल के खोज यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो आपके बारे में पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हो, तो किन किन को पेंशन मिलती है, आपके अकाउंट में कब पेंशन ट्रांसफर हुई है, तो पूरी जानकारी इसमें। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक है इसमें, महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक, MBBM, शौचालय के ये पंचायत, तो मैं इन सभी के बारे में वीडियो बनाऊंगा। आपको सबसे पहले किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको सबसे पहले किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।